गए? प्रकाश कहाँ है? प्रकाश, प्रकाश को कहाँ छोड़ा है? पूरा रेलवे स्टेशन छान मारा, प्रकाश नहीं मिला। आए दया, मेरा प्रकाश कहाँ चला गया? आप उसे कहाँ छोड़ के आ गए? मेरा प्रकाश। माँ, प्रकाश मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तू आ गया। अरे मेरा बाबू तो आ गया, कुसरत तो आ गया। अरे मेरा बच्चा। आप रो क्यों रही हैं? मैं 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 माँ, आप रो क्यों रही हैं? तू नहीं समझेगा बेटा, ये माँ की ममता के आंसू है, खुशी के आंसू है। जो तुम्हें देखते ही झलक आया। ये कौन है? अरे बेटा, गांव में जो भौजाई रहती है ना, ये उन्हीं का बेटा है, गौरव। अच्छा, तो ये गौरव भैया है। भैया हाँ ठीक है, पैर छूने की जरूरत नहीं है। बेटा अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अपने पास रखूंगी हमेशा। अरे प्रकाश, जब से तुम्हारे आने की खबर सुनी है, ना खुद सोई है ना हमको सोने दिया है। रात भर यही पूछती थी कि सुबह कब होगी। ये मेरे रास्ते का रोड़ा कहां से आ गया? इसके लिए कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। गौरव, क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं चाचा जी, कुछ नहीं। अरे मिश्राइन, इतनी दूर से तुम्हारा बेटा सफर करके आ रहा है, कुछ खिलाओ पिलाओगी भी या खाली दुलारी करती रहोगी? अरे इतने दिन के बाद तो इसे मिल रही हूँ, जी भर के देख तो लेने दीजिए मेरे बच्चे को। लाती आती बेटा। जाओ बेटा, कपड़े बदल लो, नाश्ता पानी कर लो, थोड़ा आराम भी कर लो। देख, जी भर के देख लो अपने लाल को, ना जाने कल देखने को मिले ना मिले। कल आपके भाई अहमद से बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ही नेक दिल इंसान है। उन्होंने पूरी कोशिश करके आखिरकार टेलीग्राम की सच्चाई के बारे में पता कर ही ली। और ये बहुत अच्छा हुआ कि आपके शौहर वापस आ रहे हैं। फैजल को वालिद मिल जाएंगे और आपको आपके शौहर, आपका घर भी आबाद हो जाएगा। अभी तो टेलीग्राम आया है, उसकी जांच पड़ताल हो रही है, देखते हैं नतीजा क्या निकलता है। जहाँ तक मुझे पता है कि जांच पड़ताल हो चुकी है और अब्बास वापस आ रहा है। लेकिन जब अब्बास को ये मालूम चलेगा कि नकली तलाकनामा के बाद आपकी शादी हमारे साथ हो रही, बारात आ चुकी थी, निकाह होने जा रहा था, लेकिन अचानक टेलीग्राम के आने के बाद हमारी शादी कुछ दिन के लिए टाल दी गई, तो अब्बास क्या सोचेगा? पर हमें यकीन है वो भी ये सब जानकर परेशान हो जाएंगे। उनके भी समझ में कुछ नहीं आएगा, जैसे कि अभी हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। और हम ये जानते हैं कि उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। अगर उन्होंने शादी की होती तो वो ये टेलीग्राम कभी नहीं भेजते कि नरगिस हमारा इंतजार कर, हम आ रहे हैं, आपका तो हमसे शादी करने का ख्वाब ही टूट गया। कहते हैं ना, तकदीर बनाने वाले ने कमी ना की, इसको क्या मिला। खुदा ना करे कभी वक्त पड़े और आपको मेरी जरूरत पड़े। मान लो अगर आपको मेरी जरूरत पड़ भी गई तो हम अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। आपकी जान बहुत कीमती है, हमें उसकी जरूरत नहीं। हम अल्लाह से यही दुआ करें कि आप सलामत रहें। हमें मालूम है कि आप हमेशा हमारे लिए दुआ करेंगे, और हम तो आपकी दुआ का असर देख भी चुके हैं कि सना को अल्लाह ने दोबारा जिंदगी अता की। मैं ये जानता हूँ कि अल्लाह उन्हीं की सुनता है जिनका दिल साफ होता है, मगर अल्लाह हमारा बार बार इम्तिहान तो ले रहा है। लोग कहते हैं कि अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। अब फिक्र ना करें, आपकी जिंदगी में भी बाहर आएगी, आपको भी आपका मन चाहा हम सफर मिल जाएगा। दुनिया में हमसे भी ज्यादा अच्छे लोग हैं। हाँ मिल तो जाएगी, मगर वो नरगिस के जैसी हो
ये जरूरी तो नहीं। मेरा क्या है, मैं खुशी में रहूं या मलाल, बस आप खुश रहो जहां रहो जिस ख्याल। वाह, आप तो शायर हो गए। आज तो मौसम भी बड़ा शायराना है। वैसे मुझे मालूम नहीं था कि आपको भी शायरी इतनी पसंद है। हम शेर सुनाते नहीं, अच्छे से सुनने की आदत रखते हैं। कहां मैं शेर करता हूँ, कहां मैं शायरी कहता हूँ। हमने तो आपको किसी दूसरे का कलाम सुनाया। बहुत खूब, ठीक है हम चलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे भाभी साहब, आदाब आदाब। मिश्रा जी आदाब। नमस्ते मिश्रा जी। नमस्ते भाभी साहब जी। नमस्ते। अरे नमस्ते, क्या पैर छुओ? अरे बस बस, खुश रहो खुश रहो, बैठो। अरे मिश्रा जी, मिश्राई जी, आज आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं। भाभी साहब, ये मेरा बेटा प्रकाश नैनीताल में रह के पढ़ाई कर रहा था और वकालत पास कर लिया। अब ये यही आ गया है, यही रह के वकालत करेगा। तो बहुत अच्छी बात है। अरे प्रकाश, तुम तो ये जानते हो कि डिप्टी साहब के घर से हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, अभी से नहीं बचपन से हैं। जी मुझे मालूम। पता है भाभी साहब प्रकाश क्या कहता है? कहता है अब वो हमारे पास ही रहेगा, हमें छोड़ के नहीं जाएगा, हमारी सेवा करेगा। बेटा अपने माँ बाप की खिदमत करोगे तो अल्लाह बहुत खुश होगा। जो लोग भी अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं, अल्लाह उन्हें इस दुनिया में दौलत शौहरत और इज्जत अता करते हैं। जी हाँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरे माता पिता का आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहे और इसके साथ साथ आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद भी मेरे साथ। बेटा हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है और हमारी दुआएं भी। भाभी साहब, नरगिस बेटी कहाँ है, काम पे गई है क्या? हाँ मिश्राइन जी, वो काम पे गई है। अच्छा है, काम पे चली जाती है, वहाँ उसका दिल बहला रहता है, घर पे रहती है तो उदास रहती है। हाँ मिश्राइन, अब और क्या कहें, आपको तो सब कुछ पता ही है। पता नहीं कौन आपका दुश्मन है जो नई नई तरकीबें सोच के आप लोगों को सताता है। एक बार उसका पता चल जाए तो देखिए मैं उसके साथ क्या सुलूक करता हूँ। वो सामने आना ही नहीं चाहता, छुप छुप के हम पे वार कर रहा है। पता नहीं हमने उसका ऐसा क्या बिगाड़ा हुआ है जो उसकी दुश्मनी हमसे खत्म ही नहीं हो रही। भाभी साहब, मुझे तो लगता है ये कोई अपना ही है, वरना दूसरों को क्या पड़ी है आपको तकलीफ देने की। हाँ मिश्रा जी, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, पर सभी लोग तो अपने हैं, हम लोग शक करें भी तो किस पे करें। अरे भाभी साहब, आजकल लोगों ने अपने चेहरे पे इतने मुखौटे डाल रखे हैं कि ये भी पहचानना मुश्किल है कि कौन अपना है और कौन पराया है। अच्छा, तो आप लोगों को भी कोई सता रहा है? हाँ बेटा, सता तो रहा है, पर वो कौन है ये हमें नहीं पता। अब्बास का कुछ पता चला? नहीं मिश्रा जी, अब्बास का अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन अहमद दरियाफ्त करा रहा है और उसने एम्बेसी भी फोन किया हुआ है, जल्दी ही कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। लेकिन हाँ मिश्रा जी, ये बात पता चल गई है कि जो वो तलाकनामा आया था वो नकली था। किसी ने तलाकनामा भी नकली भेजा? अरे बेटा ये बड़ी लंबी कहानी है। नरगिस को किसी ने तलाकनामा भेजा, उसको हम सच समझ के नरगिस की दूसरी शादी करने के लिए उसको राजी कर लिया। जिस दिन नरगिस की शादी हो रही थी, निकाह होने ही वाला था कि उस वक्त टेलीग्राम आ गया। टेलीग्राम में ये लिखा था कि नरगिस तुम मेरा इंतजार करना, मैं आ रहा हूं, अब्बास तुम्हारा शौहर। जिसके लिए हम लोगों ने शादी कुछ दिन के लिए टाल दी, फिर दरियाफ्त किया तो ये पता चला कि तलाकनामा जो था वो नकली था और टेलीग्राम जो था वो पाकिस्तान कराची से आया था, तो टेलीग्राम असली था। ये जो कोई भी कर रहा है बहुत बुरा कर रहा है और ये तो कानूनी अपराध है। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो।
कानून अपराध तो है ही, और अल्लाह की नजर में भी किसी को सताना बहुत बड़ा गुनाह है। ओके, वन एंड टू, चलो ढूंढो मुझे। इधर, लेफ्ट राइट, सामने सामने सामने, इधर आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ढूंढो 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 ढूंढो, पकड़ो मुझे पकड़ो, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, हाँ यू कैन कैच मी, कम ऑन पकड़ो, इधर 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 पकड़ो। अरे मासूमा, आबिद तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम उसे रोकने की बजाय उल्टा उसके साथ खेल कूद रहे हो, और तू, तुझे हमने अपने कमरे में आने से मना किया था ना, फिर क्यों आई तू हमारे कमरे में? हमको तो बाबूजान ने बुलाया था। हाँ मामूजान की नानी, अब हमें क्यों डांट रही है? मामूजान ने कहा था कि आप कहीं मार गई है। तेरे मामूजान से तो हम निपट लेंगे, अभी तू इस कमरे से बाहर जा, वरना हम तेरी टांगे तोड़कर फेंक देंगे। आप भी चलिए मामूजान, ये बहुत गुस्सा करती है। नहीं बेटा, आप चलिए, हम आते हैं। जी मामूजान। शाकरा, ये तरीका होता है बच्चों से बात करने का? अब तुम हमें सिखाओगे कि हमें किससे कैसे बात करनी चाहिए? हमने तुमसे हजार बार कहा है, इस लड़के से दूर रहा करो। अरे तो कौन सी नजदीकियां बढ़ा रहा हूं, बच्ची है, उसके साथ जरा हंस-बोल लिया, खेल लिया, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? बहुत सी तकलीफ है, हम तुम अच्छी तरह जानते हो कि बच्चों से हमें सख्त नफरत है, और इस लड़की से हम क्यों नफरत करते हैं ये भी तुम खूब जानते हो। शाकरा, हम लोग एक घर में रहते हैं, आमना सामना हो जाता है, और अगर हमने जरा सी बच्चों से हंस बोल के बात कर ली तो आपका क्या बिगड़ गया? बहुत कुछ बिगड़ गया, तुम जानते हो कि हम अपना बच्चा छोड़ कर आए, हमें तो लगता है कि तुम ये सब हमारा दिल जलाने के लिए कर रहे हो। देखो आबिद, हमने तुमसे शादी इसी शर्त पे ही की थी कि तुम इस लड़की को हमारी जिंदगी में कभी शामिल नहीं होने दो। आबिद, हम जानते थे कि अगर ये लड़की जिंदा रही तो कभी ना कभी तुम्हारे दिल में इसके लिए मोहब्बत आ ही जाएगी। आज हम दोनों के बीच में फसाद की जड़ भी वो मासूमा ही है। इतनी प्यारी बच्ची है मासूमा, और आप उस पे इल्जाम लगा रही हैं। शाकरा, हमें तो हंसी आती है आपकी इस बात पे। आबिद, तुम ऐसे हम पर हंसो नहीं, तुम्हें क्या लगता है हम पागल हो गए हैं? अरे वो तो आप है ही, इसीलिए हम चाहते थे कि नरगिस की शादी हो जाए और वो बच्चों को लेकर दफा हो जाए। शाकरा, बच्चों के साथ इतनी नफरत अच्छी बात नहीं है, आप अपने अंदर थोड़ा बदलाव लाइए। बाबूजान बहुत अच्छे है, शाकरा मम्मी बहुत बुरी है, हम लोगों को खेलने नहीं देती है। हम कहाँ जा रहे थे, वो तो मामूजान हमें अपने कमरे में लेके गए। शाकरा मेम साहब तो आविद भाई को भी डांटती हैं, बहुत गुस्सा करती हैं। मामूजान को तो सजा दे रही होगी, उनको तो कुर्सी पे खड़ा करके कान पकड़ने के लिए कह रही होगी। अच्छा, आपको कैसे पता? हमारे स्कूल में ऐसे ही पनिश करते हैं, हमारी वजह से मामूजान को भी सजा मिली। अम्मी को आने दो, मैं सब बताऊंगा। फैजल, देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। चॉकलेट। अरे मासूमा कहाँ है? वो तो बाहर खेल रही है। ठीक है फत्तू, आपको अम्मी नीचे बुला रही है। जी। क्या बात है फैजल, आज आपने कोई शैतानी नहीं की? हमने कोई शैतानी नहीं की, मामूजान हमें अपने कमरे में ले गए थे खेलने के लिए, शाकरा मामी देखी, हम लोग उनके कमरे में खेल रहे थे कि शाकरा मामी आ गई और हम दोनों को कमरे से बाहर निकाल दिया और डांटा। अम्मी, उन्होंने मामूजान को भी बहुत डांटा। हमने आपको कई बार मना किया है कि आप उनके कमरे में ना जाया करो, अगर आपको खेलना है तो आप अपने कमरे में खेलिए, और मामूजान को भी बुला लो खेलने के लिए, अगर वो आपके साथ खेलना चाहे तो। आपने बेवजह
शाकरा मामी को गुस्सा दिला दिया ना? मैंने कहा गुस्सा दिलाया, वो तो खुद गुस्सा हो गई। हमसे कह रही थी कि तुम्हारे टांगे तोड़ के फेंक दूँ। इसीलिए कहते हैं आप अपने कमरे में खेला करो, नहीं तो वो सच में तोड़ देगी। आपने खाना खाया? हाँ, फतू बुआ ने हमें खाना खिला दिया। ठीक है, जाओ मासूमा को चॉकलेट दे आओ। शाकरा भाभी किस किस्म की औरत है, मासूम बच्ची से प्यार करने के बजाय इनसे नफरत करती है, अपने शौहर की भी इज्जत नहीं करती है। आजकल गौरव भैया यहाँ क्यों रहते हैं? गांव में चाची अकेली परेशान होती होगी। तुम तो जानते हो ना बेटा कि गौरव को मैं कभी पसंद नहीं करती थी, मगर तुम्हारे बाबूजी लाख मना करने पर भी उसको यहाँ बुलाते रहते थे। कहते थे मेरा भतीजा है, मेरे भाई का लड़का है, मेरे सिवा इसका कोई नहीं, इसकी देखभाल करने की सारी जिम्मेदारी मेरी है। वो तो ठीक है बाबूजी, देखभाल कर रहे हैं, उसमें क्या फर्ज क्या है? अब हम तुमको क्या बताएं बेटा, उसने तो हम लोग को कंगाल कर दिया, हमें लूट लिया, कहीं का नहीं रखा उसने हम लोगों को। वो कैसे? हमसे 25,000 रुपया मांग रहा था कारोबार करने के लिए, मैंने इनकार कर दिया तो बिगड़ गए। और जब मैंने कहा कि मिश्रा जी कहाँ से ला के देंगे, अरे तुम्हारे लिए चोरी करेंगे क्या? अरे वो जमीन जायदाद के कागज मांगने लगा, मैंने पूछा है जमीन जायदाद कागज का करोगे क्या, तो कहला महाजन के पास रख के इस पे पैसे उठाएंगे, जब कमा लेंगे तो इसको छुड़ा लेंगे, इसमें क्या हर्ज है? फिर हमने सारे कागजात जमीन जायदाद के घर के डिप्टी साहब के यहाँ जाके छुपा दिए कि कहीं वो चोरी ना कर ले। और इतना झगड़ा करता था कि हम लोग की हत्या करवाने में भी उसे संकोच नहीं होता। तुम्हारे बाबूजी क्या करते? आखिर में मैंने ही डांट फटकार कर और पुलिस का डर दिखाकर इस घर से उसे बाहर निकाला। एक दिन वो हमको रकाबगंज में मिल गया गौरव, मेरे पैर पकड़ लिए, रोने लगा, कहना जब तक पैर नहीं छोड़ेंगे जब तक चाचा जी आप मुझे माफ नहीं कर देंगे। क्या करता, उसको गलतियों का एहसास हो गया था इसलिए मैंने माफ कर दिया, उसको गले लगा लिया। और मिशाइन से भी कहा इसको माफ कर दो, घर का बच्चा है, और मिशाइन ने भी उसको माफ कर दिया, घर में रहने लगा। मैं तो बेटा उसको कभी माफ नहीं करती, लेकिन ये तुम्हारे बाबूजी जोर जबरदस्ती करके उसको मेरे से माफी दिलवाया, फिर वो यहीं आके रहने लगा और हम लोग की सेवा भी करने लगा। अरे हम तो ये सोच रहे थे कि यहाँ रहेगा तो उसका साथ गांव के गुंडों का छूट जाएगा, और फिर ऊपर से हम लोगों की सेवा भी कर रहा था। अरे यही सब सोच के हम कागज भाभी साहब के पास उठा लाए, कल्लू किसान की लड़की की शादी थी, उस पर 2 बीघा जमीन हमको देना थी। अब क्या बताएं, हमारे पैर में मोच आ गई और वो कागज हमको बनवाना थे अदालत से, अब क्या करते? और जानते हो बेटा, उसी का फायदा उठाकर उसने मिश्रा जी से कोरे कागज पर दस्तखत करा लिया। हाँ, हालांकि मैंने तुम्हारे बाबूजी से बहुत कहा कि बिना पढ़े आप दस्तखत मत कीजिए, लेकिन हमारी बात मानते हैं क्या? उस पर क्या कहते हैं, अरे जब गौरव ने पढ़ ही लिया तो मुझे पढ़ने की क्या जरूरत है। और बेटा जब एक दिन महाजन हमारे घर आया तब पता चला कि गौरव ने जमीन जायदाद खेती बाड़ी बगान सबको गिरवी रख दिया है। अरे 1.5 लाख रुपया उसने महाजन के से उठा लिया और हमको कंगाल कर दिया। और जानते हो बेटा, जब रात को घर आया तो उसका तो हुलिया ही बदला हुआ था, और अब रोज रात को वो शराब पीकर अनचनिया का नाच देकर घर आने लगा और हम लोग का अपमान करने लगा। माँ, बाबूजी, इतना सब कुछ हो गया, आपने हमें बताया नहीं, सब कुछ छिपाया हमसे, अब आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। माँ, अब मैं आ गया हूँ ना, मैं सब संभाल लूंगा, गौरव भैया को मैं देख लूंगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जुग जुग जियो। अहमद गया है कोतवाली, अब देखते हैं क्या खबर लाता है, जिसने भी नकली तलाकनामा भेजा है वो पकड़ा जाएगा।
कैसे पकड़े? वो तो उसने डाक के जरिए भेजा है ना, और उस पे अब्बास का नाम भी लिखा हुआ है। वो पुलिस का काम, वो ढूंढ ले। हम कहते हैं कुछ नहीं होगा, अहमद भाई भी कुछ नहीं कर पाएंगे। भेजने वाला भी बहुत होशियार होगा, उसने कोई सबूत नहीं छोड़ा होगा। अहमद भाई कोशिश कर रहे हैं, आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाएगा। जो भी हमारा छुपा हुआ दुश्मन है वो एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। वो कहावत है ना, जुर्म की ताहनी कभी फलती नहीं, नाव कागज की कभी चलती नहीं। जो हम पर ये जुल्म कर रहा है देखना, वो कभी खुश नहीं रहेगा, कभी नहीं फलेगा। अम्मी, जिसे जो करना था उसने कर दिया, अब महातम मनाने का क्या फायदा? अरे अहमद बेटा, बेटा कुछ पता चला? अम्मी, पुलिस अभी तक कुछ भी पता नहीं लगा पाई है। लेकिन उन्हें पूरा शक गुलफाम पे है। बल्कि गुलफाम क्या, गुलफाम के साथ वो कोई औरत सलमा नाम की है, उस पे भी उनको शक है। वो ये कह रहे थे कि गुलफाम जमानत पे रिहा हो गया है, लेकिन उसे रोज कोतवाली में आकर हाजिरी देनी होती है। और इधर कुछ दिनों से वो कोतवाली में नहीं आ रहा है, पुलिस कह रही है कि वो फरार चल रहा है। सलमा नाम की औरत की भी दर्जनों शिकायतें पुलिस के पास हैं। पुलिस ने तो मुझे तस्वीर भी दिखाई, लेकिन मैंने पुलिस से कहा कि मैं बिल्कुल भी नहीं पहचानता हूँ कि ये कौन है। सलमा नाम की औरत के कोतवाली में इतने सारे जुर्म दर्ज हैं? क्या अल्लाह, एक औरत हो के उसने इतने सारे जुर्म कर दिए? कोतवाली में उसका नाम तक दर्ज हो गया? तौबा तौबा, क्या जमाना आ गया है। जालिम औरत हो या मर्द, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की ज़हनियत ही ऐसी होती है। वो लोग कभी किसी का भला नहीं सोच सकते, चाहे वो किसी नवाब की बेटी ही क्यों ना हो।